अगर आप लोगों ने नहीं देखा मेरा वो व्लॉग तो आप लोग नीचे जाएं, आप लोगों को स्विट्जरलैंड का मेरा व्लॉग दिखेगा। लिंक डाल दूंगा। यस, आदिल साहब डाल देंगे, आप लोग देखिए हमने कितना एंजॉय किया। ज़ैनब मेरी गोलू मोलू इतनी। मैं आपके स्कूल की टाइमिंग पूछ रहा हूँ, गाड़ी में जो स्कूल है। अच्छा, हम मेरे स्कूल की ये तो एंड सफर तक जाएगा। ये स्कूल नहीं बंद होता, ये स्कूल जो है ना इसकी कोई टाइमिंग नहीं है, ओपनिंग की भी कोई टाइमिंग नहीं है। मेरी सारी सोनी सोनी यूट्यूब फैमिली कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। अच्छा जी, हमारी जो है ना वापसी हो रही है रियाद की तरफ और आदिल साहब लेने गए अभी खाना और मैंने सोचा कि मैं व्लॉग शुरू कर लूँ और आदिल साहब लेने गए हैं ताजिज और आ गए हैं ये लेके ताजिज। जबकि बच्चों ने नाश्ता किया था और हम उठे थे दोपहर में 12 बजे दोपहर के टाइम और सब हम सोए थे सुबह 9 बजे के करीब। तो यही है कि सफ़र था तो पूरी रात हम जागते रहे कि कल हमने वापस चले जाना है। तो अम्मी और बहनों के साथ जागती रही मैं, खूब गपशप की, खूब मस्तियाँ की, खूब मज़े किए और जो है अभी नाश्ता किया था बच्चों ने। अम्मी ने चाय पराठे बनाए थे, चाय बनाई थी और पराठे बनाए थे, बच्चों ने वो खाए थे। तो बच्चों के लिए आप क्या लेकर आए? बच्चों के लिए मैं चिप्स लेकर। बच्चे अभी चिप्स खा रहे हैं और आदिल ने सिर्फ चाय पी थी और मैंने भी सिर्फ चाय पी और बस निकल आए हम लोग, क्योंकि फिर हमें रियाद पहुँचना भी है और सुबह है संडे और स्कूल स्टार्ट है बच्चों के और बस तो टाइम पे पहुंच जाए यही है कि क्योंकि अभी जो सफर हमने स्टार्ट किया है स्टार्ट करेंगे, बल्कि 4 तो बज ही गए है ना, तो अभी जो हम स्टार्ट करेंगे तो कब आला तूल जाएंगे। जल्दी आया था मैं घर से निकल गया था अपनी अम्मी घर से 12 बजे हाँ। मैं गया था मैं दोस्त के पास, उधर से गया हूँ फिर मैंने कहा चलो आप पिक कर लें, 3 बजे आया उन्होंने 2:30 बजे आया। लेकिन अभी हम वहाँ कब पहुँचेंगे? 2 बजे पहुँचेंगे। 2 बजे आपको क्या चाहिए? मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, वेट करो। चिप्स पापा लेकर आए ना, चिप्स अभी निकाल कर देंगे। अच्छा जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह खैर से पहुँच जाएंगे और रास्ते में क्या अपडेट है, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, ये सब मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी। और बस मुझे कमेंट्स आए थे बहुत सारे, मैंने रिप्लाई किए हैं और उन कमेंट्स का, कुछ कमेंट्स का मैं जवाब लाइव व्लॉग में भी दूंगी इंशाल्लाह ताला। और अभी गपशप चलते 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 करते जाएंगे और आप लोगों के जो है ना जवाब भी देती जाऊंगी मैं। अच्छा जी, अभी हम जरा पेट पूजा कर लें। अच्छा जी, सफ़र हमारा जो है ना स्टार्ट हो गया है और बस अहमद साहब वहाँ सो रहे हैं, आयशा आप ही के साइड पे और बस हम लोग जो है ना बिस्मिल्लाह कर लिया सफ़र की, खाना भी खा लिया है और चाय पीनी है। और ये हमारे जो है ना फिस भी स्टार्ट हो चुके हैं, ओपन कर चुकी हूँ मैं इनको क्योंकि खाना वाना खाने के बाद इसको जो है ना सेट करके रखना पड़ता है। आदिल साहब ने ये गिलास भी पेप्सी का खाली कर लिया है और ये जो है ना सेटिंग होती है भी एक इनकी कि भी आराम से जो है ना छिलके हम इधर डालते रहें। और आदिल साहब को भी दिख गई है ये चाय कोयले वाली जो हमारी है फेवरेट, हम बहुत शौक से पीते हैं, मैंने सोचा था ताइफ से लेंगे, चले ले लें। हाँ वो तो पहाड़ी पे मिलती है। ये देखिए चाय आ गई है हमारी,
धूप है, कुछ नजर ही नहीं आ रहा मुझे कैमरे में, मुझे ब्लैक ब्लैक ही नजर आ रहा है मोबाइल। कमेंट्स जो है ना थे कुछ ऐसे जो मुझे लगा कि वाकई आप लोगों ने बिल्कुल सही बात की है कि आप रोज व्लॉगिंग करें, आप रोज व्लॉग अपना डालें, आपकी व्लॉग सुपर जाएंगे। आप सब ने मुझे दिल से बोला है और असल में बात यह है कि जैसे कि प्रॉब्लम घर की चल रही है, उस वजह से जब दिल और दिमाग ही सेट ना हो तो फिर वो चीज़ नहीं आती ना, तो इस वजह से ना तो मैं ये सोच रही थी क्योंकि मैं दिमाग से और दिल से इतनी टेंशन में हूँ। टेंशन में यकीनन टेंशन जो है सबसे छोटी टेंशन है, ये कोई इतनी बड़ी टेंशन नहीं है जॉब की, लेकिन जिनका एक पूरा वो बना होता है ना सिस्टम, वो सिस्टम सारा जिनका जॉब पे ही चलता हो तो वो चीज़ ज़रा हिल जाती है बंदे की ना, तो वही हुआ है इस टाइम हमारे साथ। आजमाइश तो बहुत छोटी है। अच्छा जी, इनकी जो है ना चाय मिक्स हो रही है। बस वही बात है कि जो अल्लाह की तरफ से आजमाइशें आती हैं उसका उस पर थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है और वही चीज़ हमने की है, सब्र ही की है हमने। तो व्लॉगिंग का ये है कि वो डेली नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरा दिमाग और मेरा मिजाज जो है ना बहुत ही वो हुआ हुआ था, अजीब सा। और जैसे कि सब कह रहे थे हमें कि आप लोगों को नज़र लगी है, आप लोगों को नज़र लगी है, और बीच में जैसे दिल की तबीयत का हो गया था तो वही चीज़ें, थकावट मुझे बहुत ज़्यादा हो गई थी। मुझे एक कमेंट्स ये भी आया था कि आपके हस्बैंड बीमार हैं और आप चली गई हैं उनको छोड़ के, आप अपने मायके जाके बैठ गई हैं। तो हस्बैंड 8 दिन रहे हैं हॉस्पिटल में, इनका ट्रीटमेंट चला है, फिर ये घर आए, घर में भी पूरा माशाल्लाह मंथ इनका जो है ना आराम हुआ है, रेस्ट हुआ है और इनकी ये दवाई चली है। उसके बाद मैं आई हूँ, यूँ समझ लें कि मैं फुल यहाँ तक होके, फुल यहाँ तक इसलिए होके आई हूँ कि एक तो इनके हॉस्पिटल के दौरान काफ़ी भाग दौड़ रही, फिर उसके बाद दिमागी तौर पे काफ़ी मैं टेंस हो गई थी, फिर एक मुश्किल वही जॉब वाली, वो सोच सोच के कि आगे क्या करना है, कैसे प्लान करना है, कैसे लेके चलना है, क्योंकि एक बच्चा तो है नहीं हमारा, जो हम कहें कि भी वक्त गुजर जाएगा गुजार लेंगे। मसला सारा यही है कि भी बच्चे हैं माशाल्लाह, बच्चों के साथ सफ़र कर, और यहाँ क्या है, यहाँ आपका घर की टेंशन नहीं है, घर चल जाता है आपका, आपका जैसे तैसे मैं माशाल्लाह माशाल्लाह मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ शायद कम है, जितना भी मैं शायद करोड़ों हिसाब से भी मैं बैठ जाऊँ जा नमाज पे और शुक्र करती रहूँ, मैं बैठी रहूँ हिलूँ भी ना, मैं बस मुसलसल शुक्र अदा करती रहूँ, कम है। क्योंकि इस दौरान जैसे जॉब लेस भाई बैठे हैं हम, तो इस दौरान कैसे घर हमारा चल रहा है वो अल्लाह को पता है, क्योंकि हम तो प्लानिंग बहुत करते हैं, हम इंसानों की प्लानिंग ख़त्म ही नहीं होती कि हम कहें कि हम बजट के हिसाब से चल रहे हैं, हमने बजट बनाया हुआ है, हम ये कैसे होगा, जॉब नहीं होगी तो कैसे होगा, नहीं हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारा घर ऐसे चले, हमें पता ही नहीं चला कि कैसे चल रहा है भाई। अल्लाह की कहते हैं ना रिस्क का वादा अल्लाह ने किया है कि मैं दूंगा, अपने बंदे को भूखा नहीं सुनाऊंगा, वही चीज़ हुई है हमारे, मेरे बच्चों के पैंपर भी पहले से ज़्यादा घर में आए हैं, दूध के 4-4 डब्बे घर में आए हैं, यूँ समझ लें कि चीज़ें मेरे घर में माशाल्लाह वफार यानी ज़्यादा मकदार में रही हैं मेरे घर में, आम रूटीन से हट के भी हमारे घर ज़्यादा सब कुछ रहा है। तो वही चीज़ है कि रिस्क का वादा अल्लाह ने किया है, अल्लाह ही देता है, उसकी टेंशन नहीं है। मसला सारा ये है, सबने मुझे कमेंट्स में यही कहा कि आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं, जॉब मिल जाएगी भाई को, सब अच्छा हो जाएगा, टेंशन वो नहीं है जो कि यहाँ इकामों की टेंशन होती है, सबसे बड़ी टेंशन इकामे की, इंसान को वो खा जाती है, और तनाजुल की और मेडिकल, ये चीज़ें, ये तीन चीज़ें जो है ना, और टैक्स, ये चार चीज़ें और रेंट, सॉरी घर के रेंट, तो रेंट पहले है। हाँ, टैक्स और रेंट जाता है, हाँ, वो जो है ना ये मारता है इंसान को, होती है सारी, वरना अपने मुल्क के लिए कौन नहीं, मैं कहती हूँ अपने मुल्क के लिए सोचता, मसला सारा यही है। और रेंट यहाँ पे ये है कि यहाँ के अकारियों को आप 2 महीना लेट कर सकते हैं, 3 महीना आप लेट कर सकते हैं, आप वो फिर आ जाते हैं अपनी पे, तो फिर नहीं सुनते,
एक हद तक रियायत। यहाँ पे रेंट जो होते हैं वो आपके सिस्टम से लिंक होते हैं, एचआर के थ्रू होते हैं, और उसमें अगर आप रेंट लेट करते हैं तो उसमें नोटिफिकेशन आता है नजदीकी हुकूमत की तरफ से। बस और तो मैं कहती हूँ और मुझे कोई टेंशन नहीं थी, और यही सारी मेन जिम्मेदारियाँ होती हैं इंसान की, जिसकी टेंशन अदील भी ले रहे थे और हाँ स्कूल फीस भी। और वही चीज है कि मैं भी उसी चीज की ही टेंशन ले रही थी। शायद ये मेरा अपना मुल्क होता, पाकिस्तान होता, तो मैं शायद सोचती भी ना इनकी जॉब के लिए बैठ के कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि हमें वहाँ इकामे की टेंशन ना। क्योंकि यहाँ पे अगर रेसिडेंट वीजा का एक्सपायर हो जाता है, तीन चीजें होती है। सबसे पहली ये है कि आपके जो बैंक होता है बंद हो जाता है, बैंक का सिस्टम बिल्कुल बंद। दूसरा ये है कहीं सफर कर रहे हैं, यानी टेंशन रहती है आपका रेसिडेंट इकामा रेसिडेंट वीजा जो एक्सपायर्ड है, आप कहीं सफर कर रहे हैं, टेंशन रहती है इकामा एक्सपायर है कोई बात ना हो जाए। तीसरा ये है आप अनलीगल हो जाते हैं, आप इतने सारे इस मुल्क में रहकर फिर अनलीगल होना, आई थिंक इज बेटर ये क्या होगा पाकिस्तान चले जाए। मेरी एक बहन ने ये भी बोला है कि अगर आप व्लॉग डेली नहीं डालेंगे मैं आपका व्लॉग देखना छोड़ दूंगी, उनका कमेंट्स पढ़ के। और मैं उनको सलूट करती हूँ कि आपके दिल में जो था आपने वही बोला, और मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ कि इंसान तभी ये चीजें बोलता है जब आपसे अटैच होता है, हाँ, जो आपको देखना चाहता है, जो आपको पसंद करता है, लाइक करता है, और जो अपने गुस्से का भी सहार कर दे। मैं कहती हूँ कि वो बेस्ट रिश्ता है, वो बेस्ट चीज़ है आपके लिए, बेस्ट गिफ्ट है। और मुझे उनका ये बोलना मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं काफ़ी देर तक उनके बारे में सोचती रही। मैंने कहा इंसान जो है ना, मैं कहती हूँ इंसान सिर्फ प्यार का भूखा है, सिर्फ प्यार का, दो लफ्ज़ प्यार के अगर बोले जाएँ तो उसी का ही भूखा है इंसान, वरना हमारे बीच में क्या रिश्ता है। हमारे बीच में ऐसा कोई हम एक दूसरे से मिल नहीं रहे, एक दूसरे को कुछ दे नहीं रहे, या एक दूसरे को हम लेन देन नहीं कर रहे। बस यही है ना कि हम एक दूसरे, आप लोग मुझे सुनते हैं, मैं आप लोगों के कमेंट्स सुनती हूँ, तो हमें एक दूसरे से अटैचमेंट है कि भाई आप ही हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है। मैं कहती हूँ कि आप लोगों का मैं हौसला हूँ, मैं कहती हूँ मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के हौसला आता है। वही चीज़ है कि मैं उनको सलूट करती हूँ उनके जो है ना प्यार को। जी हमने अभी मक्का की चेक पॉइंट जो है ना क्रॉस कर ली है, अब यहाँ आएगा ताइफ, इसके बाद इंशाल्लाह उसका भी मौसम बताऊंगी आप लोगों को, क्योंकि जद्दा में काफी ठंडी हवा चल रही है, यानी कि मगरिब के बाद ठंडी हवा हो जाती है, मौसम अच्छा हो जाता है। कह रहे हैं कि बारिश थी कल और काफी सर्दी है, तो बस अल्लाह करे बच्चे यहाँ तो बीमार नहीं हुए अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ बच्चे सही रहे, ना खांसी ना नजला कुछ भी नहीं हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। रियाद में थोड़ा हो जाता है क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है, अब इनको गर्म कपड़े जैकेटें यही रहेगा, अभी यहाँ तो आज़ाद थे इन चीज़ों से बच्चे। और जद्दा का मौसम वही है कराची जैसा रहता है, ना इतनी सर्दी पड़ती है ना इतनी गर्मी पड़ती है, नॉर्मल मिड वाला मौसम रहता है यहाँ आपका। और मैं कहती हूँ बच्चों के लिए मिड वाला मौसम अच्छा होता है, क्योंकि जैसे कि मेरे अहमद साहब की नाक जो है ना रियाद में सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, नाक बंद हो जाती है उसकी ना, और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अहमद साहब बिल्कुल फ्रेश रहे हैं, सुकून से रहे हैं, और अहमद साहब की भाई मौजें बहुत हुई हैं। अहमद यकीन करें आप लोग, अहमद जो है मेरे पास 10-15 मिनट के लिए आता था तो वापस अपनी खलाओं की जो गोदों में नानी के पास ही था, नानी के हवाले ही हुआ था, और अभी भी नानी यही कह रही थी मुझे देखे जाओ मुझे देखे जाओ, थोड़ा सा पल जाएगा तो मैं वापस ले जाना, छोड़ती नहीं हो बच्चों को, ले छोड़ जाओ इसको मेरे पास, क्योंकि अहमद साहब की ये है कि रोते कम है अहमद साहब, और अहमद साहब की खूब मौजें हुई हैं। नानी कह रही थी कि छोड़ जाओ, लेकिन अदील साहब है ना, अदील साहब का दिल जो है ना, और अदील साहब मुझे कहते हैं दो दिन पर मुझे भगाओगी, दो दिन कहोगी कि वापस चले आ, वापस चलो अहमद को लेकर आ। ये देखिए ताइफ का जो है मौसम इतना खूबसूरत, इतना प्यारा, और इतने प्यारे बादल। और ये देखिए अभी आप लोगों को मैंने जब वीडियो दिखाई, ये बादल बिल्कुल साफ थे, और एकदम ये देखिए माशाल्लाह बादल बहुत खूबसूरत और मौसम बहुत प्यारा हो रहा है। और अभी हम जो है ना जा रहे हैं ताइफ, एक्चुअली हम जाते हैं सेल के बेस पे, पता नहीं लोकेशन दिखा रही सेल का व्यू में ना, ट्रैफिक दिखाए तो उसने अल हदा रोड पकड़ ली है। तो बस ये देखिए मौसम बहुत अच्छा है, अब आप लोग यहीं से अंदाजा लगाएं कि आगे भी लोग कितना अच्छा होने वाला है। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बादल, ये वो देखिए पहाड़ियां जो है ना
वो पूरी बादल में कवर है। अब ताइफ का क्या मौसम है, ताइफ की क्या अपडेट है, वो जद्दा वालों के लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है इन्फॉर्मेशन, अभी हम पहुंच के जो है ना देते हैं। यकीनन जद्दा से ना लोग ये व्लॉग अगर देख रहे हैं तो यकीनन दौड़ेंगे ताइफ की तरफ, मुंह कर लेंगे कि चलो भाई ताइफ का जो मौसम है वो नाज़ियादिल रूटीन व्लॉग्स ने दिखाया है कि बहुत अच्छा हो रहा है, कि चलो अब मौसम जो है ना चल के इंजॉय करते हैं। ये देखिए शीशे में कितना प्यारा व्यू आ रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बादल बहुत प्यारे लग रहे हैं, मौसम बहुत प्यारा हो गया और हल्की हल्की जो है ना हमने विंडो बंद की हुई है अहमद की वजह से कि सर्दी ना लग जाए। अम्मी ने नहला धुला के मालिश वालिश करके जो है ना भेजा है और अम्मी ने मुझे कहा इसको ठंडी हवा से, इसको सर्दी से बचाना, ताए रियाद में घुसते ही इसको कवर कर लेना क्योंकि वहाँ सर्दी ज़्यादा है, इसको सर्दी ना लग जाए। तो अभी हमने शीशे और एसी सब बंद किया हुआ है, फिर भी माशाल्लाह गाड़ी ठंडी फील हो रही है। अच्छा जी, हम चढ़े हैं ताइफ की पहाड़ी और जैसा कि आप लोगों को पता होगा इसके बाद जो है ये जो एरिया है ना ये है वाटर पार्क, और यहीं से जाती हैं केबल कार जो आपको पहुंचाती हैं हदा। सो मैंने कहा आप लोगों से, अभी मेरे ख्याल से बंद पड़ा हुआ है क्योंकि वेदर जो है वो काफ़ी ठंडा है, तो आई थिंक अभी नहीं चलती, ये मेरे ख्याल से समर में ओपन होगा, गर्मियों में ही स्टार्ट होता है शायद। तो बस अब नाज़िया से मिलते हैं। नाज़िया नाज़िया, वजह से बाहर नहीं निकल रही हूँ, मेरा दिल बहुत चाह रहा है कि मैं क्या हो रहा है, आप कहाँ जा रहे हो, आप रियाद जा रहे हैं? अच्छा अच्छा जी, चलो बाय बाय। देखिए आप मौसम, बादल और ये नज़ारा, ये नज़ारा है मगरिब के बाद का, और यस ये मगरिब का टाइम है और माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत नज़ारा है। मैं आदिल को यही बैठी बोल रही थी कि आदिल अगर ये लोग इस पहाड़ी पे ट्रेन लगाते जैसे गाड़ियाँ जिनकी, मैं अक्सर ये होता है कि पहाड़ी चढ़ते वक्त गाड़ियाँ गर्म हो जाती हैं, बहुत केसेस ऐसे हो जाते हैं गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, जैसे अभी ये एसी वैसी आदिल साहब बंद करके गाड़ी जो है ना ऊपर चढ़ा रहे हैं। तो वही है कि किसी की गाड़ी कैसी है किसी की गाड़ी कैसी, अगर वही है कि अगर इस पहाड़ी पर ट्रेन होती, इन्होंने ट्रेन की पटरी निकाली होती तो आज मैं कहती हूँ कि ये करोड़ों के हिसाब से कमा रहे होते, क्योंकि लोग गाड़ियाँ नीचे पार्क करते और ट्रेन से जाते, ट्रेन से आते, क्योंकि जद्दा में ट्रेन का सिस्टम वही मक्का मदीना का ही है, अगर ताइफ का भी हो जाता तो लोग बहुत खुशी से आके ताइफ का ये मौसम। यस सही बोला आपने, अगर जैसा कि कहाँ पे थी, कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में, टॉप ऑफ द यूरोप इंटरलैकन में हमने तीन ट्रेनें चेंज की थी, यस तीन ट्रेनें ऊपर गई थी चेंज की थी हमने, और ऐसी सीधी हो गई थी ट्रेन, जब वो लोग कर सकते तो मैंने कहा कि ये सऊदी अरब वाले ये वाले, नहीं मैं व्लॉगर होती तो हाय हाय आप लोगों को स्विट्जरलैंड की, यूरोप की मैं एक एक चीज आप लोगों को इंजॉय कराती और एक एक चीज की इन्फॉर्मेशन देती, यस और यकीन मानिए वहाँ पे भी आदिल का सिस्टम और आदिल का दिमाग देख के मैं हैरान हो गई थी कि कोई भी इस तरह से बंदा पहला सफर नहीं कर सकता है। आदिल ने बिना किसी से पूछे सीखे, आदिल ने खुद अपने दिमाग से ट्रेनों की टिकटें, हमने ट्रेनों से सफर किया था, हमारे पास वहाँ गाड़ी भी नहीं थी, है ना, बड़ा ही मजा आया था हमें, और यकीन मानिए वो सफर मेरा यादगार सफर है और आज भी मैं उस सफ़र को याद करके इंजॉय करती हूँ। जबकि मैंने जैसे कि पहले भी बताया फिफ्थ मंथ चल रहा था, प्रेगनेंसी में मैंने इतना इंजॉय किया था, शायद आप लोग देखते ना मैंने जो व्लॉग डाला है स्विट्जरलैंड का उसमें मैं नहीं शो हो रही हूँ, अगर आप लोग शायद उस वक्त मुझे देखते तो आप लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलती, यकीन मानिए मुझे जैसी मेरी बहनें जाती हैं और इस हालत में भी खूब इंजॉय, इतनी एक्टिव, और मैंने वहाँ पर शूटिंग हुई थी आदिल किस फिल्म की,
दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। मेरे टिकटॉक बने हुए हैं, मैंने एक एक सीन रिकॉर्ड किया है और एक एक सीन में मैंने आदिल साहब को शाहरुख खान बनाया है और मैं खुद काजोल बनी हुई हूँ। मेरे पास वो ट्रेन का भी शॉट है जो मैंने वो जो भाग जा सिमरन जा अपनी दुनिया जी ले, उसमें वो सीन भी मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। बस ये है कि अगर मैं उस टाइम व्लॉगिंग करती तो शायद मैं हिजाब के साथ सारे सीन आप लोगों को दिखाती, लेकिन ये है कि टिकटॉक में मेरे ये है कि मेरा स्काफ नहीं होता, मैं अपने लिए बनाती हूँ टिकटॉक में, पब्लिक वाले नहीं है मेरे, मेरे अपने स्टेटस के लिए होते हैं, मेरे अपने लिए होते हैं, तो वो मैं इंजॉय करती हूँ टिकटॉक में भी काफ़ी। और बहुत मज़ा किया था हमने, बहुत इंजॉय किया था, एक एक चीज़ हमने इंजॉय की थी वहाँ की, है ना अदी? बच्चे नहीं थे साथ में, हम ऐसे घूम रहे थे, सिर्फ जैनब थी उस टाइम हमारे पास। अगर आप लोगों ने नहीं देखा मेरा वो व्लॉग तो आप लोग नीचे जाएं, आप लोगों को स्विट्जरलैंड का मेरा व्लॉग दिखेगा, यस आदिल साहब डाल देंगे, आप लोग देखिए हमने कितना एंजॉय किया। जैनब मेरी गोलू मोलू इतनी घुपली हुआ करती थी, उठाई नहीं जाती थी हमसे, हमने उसको स्ट्रोलर में ही डाला हुआ था और हमने खूब इंजॉय किया था मियाँ बीवी ने। तो आप लोगों को उस व्लॉग से बहुत मोटिवेशन मिलती अगर मैं उसमें शो हो रही होती तो। बस मैं वही सोच रही थी कि यहाँ पे भी अगर ट्रेन होती इस पहाड़ी पे तो बहुत लोग एंजॉय करते और ये करोड़ों के हिसाब से कमाते। वही बात है, इन्होंने पूछा ही नहीं ये पहाड़ी में रोड निकालते वक्त मुझसे आदिल से। ये देखिए ये ताइफ का पिकनिक पॉइंट, जो पहाड़ी चढ़ते ही जो है ना थोड़ा सा छोटे छोटे जो पॉइंट आते हैं इनके, छोटे छोटे पार्क बने हुए हैं, वहाँ लोग बैठे हुए इंजॉय कर रहे हैं। और एक चीज़ है आदिल साहब, ताइफ में आते ही ना जो भुट्टे की खुशबू होती है ना और चाय के धुएं की खुशबू, ये देखिए ये मौसम हो रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए बादल। ये देखिए हमें जो है ना बारिश मिल गई है रास्ते में, हल्की हल्की बूंदा बांदी शुरू हो चुकी है ताइफ की, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आदिल साहब की कोई स्पेशल टी है जो मुझे कह रहे थी है, इसका नाम है अबू जबल। क्या नाम है? अबू जबल। अबू जबल आप पी के देखें कैसी है। बस चाय पे चाय पिला रहे हैं, बस चाय पे चाय पिला रहे हैं। आप सुनो ये देखें जी कौन सी चाहिए, ये आपको? हाल है ये सामने मार्केट दिखी आदिल साहब उतरे और मोहम्मद के लिए ये लेकर, ये वाली कौन सी, दोनों चाहिए कौन सी? नहीं नहीं दो नहीं, दो नहीं, कौन सी? मैं एक भी दिलाने के हक में नहीं हूँ, ये आदिल साहब लेकर आ गए। ये चाहिए ये चाहिए, दो नहीं, दो दो नहीं, दो दो नहीं। ये आप लोगों को एक चीज दिखाते हैं हम गाड़ी में, कि यहाँ पे गाड़ी में बना दिया है स्कूल, अब छोटा सा बन गया है स्कूल और हो ये रहा है। ये देखें ये मुझे लगा था कि जल्दी पहुंच जाएंगे लेकिन टाइम अभी काफी ज्यादा हो गया हमें सफर में, तो इनको जो है ना अभी ये सो के उठी है, सफर में सो गई थी अभी सो के उठी है, तो मैंने कहा रिवीजन कर लो, सुबह टेस्ट है इनका तो उर्दू का टेस्ट है, तो रिवीजन करवा रही हूँ इमला वगैरह की, अल्फाज मैंने जुमले वगैरह और खुशखती की और रीडिंग की ये सब रिवाइज करवा रही हूँ, ताकि ये है कि ये यहाँ से जाए तो एक घंटा भी नींद करे तो स्कूल चली जाए। सही सही सही, चले फ्रेश फ्रेश चले, फिर मिलते हैं पढ़ाई के बाद। स्कूल कब बंद होगा, टाइमिंग क्या है स्कूल के? 12:25 मैं आपके स्कूल की टाइमिंग पूछ रहा हूँ, गाड़ी में जो स्कूल है। अच्छा हम मेरे स्कूल की ये तो एंड सफर तक जाएगा ये स्कूल नहीं बंद होता, ये स्कूल जो है ना इसकी कोई टाइमिंग नहीं है, ओपनिंग की भी कोई टाइमिंग नहीं है जैसे कि आप लोगों को पता चल रहा है, और इसका इसकी कोई लोकेशन भी नहीं है और इसकी क्लोजिंग टाइमिंग भी नहीं है। ओके जी अल्लाह, माँ का स्कूल है कभी भी खुल सकता है। हाँ सही बात है, चलो ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह जी घर पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र का बहुत मज़ा आया, थक भी बहुत चुके हैं, थकावट से चूर हो चुके हैं, मेरी कमर ख़त्म हो चुकी है, पांव स्वेल हो रहे हैं और बच्चे भी काफ़ी थक चुके हैं, हालांकि नींद की भी है इन्होंने लेकिन थकावट तो हो ही जाती है, क्योंकि वहाँ से लगातार हम लोग चले हैं, रुके बिल्कुल नहीं है, और मेरी एक गंदी आदत है कि ना बच्चों को वॉशरूम लेके जाती हूँ ना मैं खुद उतरती हूँ, तो अभी हालत हो रही है फुल टाइट। और ये मेरे जो है ना ये इन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया है, मैं पढ़ाने के लिए इनको ज़रा सा पीछे आई तो ये आगे जो है ना इन्होंने मेरी सीट ले ली है।
फुल सर्दी है। टेम्परेचर कितना जा रहा है? 13। और बारिश भी रियाद में, जैसे कि अदील ने मुझे बताया था कि कल बारिश हुई है और हमारे एरिया में अच्छी खासी हुई है, रोड गीले हैं, पानी रुका हुआ है, वो देखे थोड़ा थोड़ा। तो बस अभी घर की तरफ जा रहे हैं, और बल्कि घर बिल्कुल सामने है। तो व्लॉग करूँगी यही ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इसी तरह दुआओं में याद रखिएगा, मेरे व्लॉग को शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और लाइक भी दिया करें, ये नहीं कि कमेंट्स कर दिया करें। कमेंट्स करने से पहले लाइक कर दिया करें, क्योंकि लाइक भी मेरे बढ़ने चाहिए सब्सक्राइब के साथ साथ। और इसी तरह मुझे जो है ना अपना प्यार भरपूर देते रहिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।